हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से आपके लिए एक नए फोन का स्पेसिफिकेशन से लेकर आया हूं। तो इसमें इस वीडियो में किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, बस एक फ़ोन ऐसा है जिसका मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताना चाहता हूं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, मेरे पास वो फ़ोन है नहीं, लेकिन मैं आपको उसका पूरी डिटेल दूंगा, ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फ़ोन जो रियलमी का है, मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला फ़ोन है। रियलमी का फ़ोन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके समरी की बात करूं तो जो इसका डिस्प्ले है 6.7 इंच का डिस्प्ले है, जो कि 17.2 सेंटीमीटर का लगभग इसका डिस्प्ले साइज है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है। ये चीज़ हो गई इसकी मेन। दोस्तों, अब इसके जनरल बात करते हैं। जनरल इसका जो लॉन्च डेट है वो दिसंबर 8, 2022 को लॉन्च हो चुका है। मॉडल की बात करें तो 10 Pro Plus की मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड V30 का एंड्रॉयड सिस्टम है। ये डुअल सिम है। दोस्तों, सिम की बात करें तो सिम साइज सारे नैनो, आजकल सारे फ़ोनों में नैनो सिम आ रहे हैं। और नेटवर्क की बात करें तो 5G सपोर्टेड है, जो कि सिर्फ इंडिया के लिए है। बाकी अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हो तो 5G सपोर्ट नहीं है, बाकी 4G 3G चलेगा। 5G का सपोर्ट केवल इंडिया के लिए है। तो दोस्तों, इस फोन की डिज़ाइन की बात करें तो जो फोन का हाइट है वो 161.5 mm का है, और जो इसका विड्थ है वो 73.9 mm है, और जो थिकनेस की बात करें तो 7.95 mm है। और दोस्तों, इसका वेट की बात करें तो 174 ग्राम इसका वेट है, जो कि नेवला ब्लू में है। दोस्तों, डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.7 इंच का इसका डिस्प्ले साइज है, जो कि स्क्रीन रेजोल्यूशन उसका 2412x1080 पिक्सल का है। दोस्तों, इसके एस्पेक्ट रेशो की बात करें तो 20:1:9 है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसकी अटक जाती है पिक्सल डेंसिटी पे। इसका पिक्सल डेंसिटी कितनी, मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ और बताता हूँ पिक्सल डेंसिटी क्या है। दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया था पिक्सल डेंसिटी क्या है। इसका जो पिक्सल डेंसिटी है 394 PPI है, पिक्सल पर 394, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि आईफोन के भी टक्कर का है। दोस्तों, इसका डिस्प्ले टाइप की बात करें तो फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी हद तक पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी। और इसकी जो रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120Hz का इसका रिफ्रेश रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा है। ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो टच स्क्रीन हमारे टच स्क्रीन फोन आ रहे हैं, टच स्क्रीन पर ही इसका जो हमारा टच है, जो लॉक सिस्टम है, लॉक एंड लॉक सिस्टम है, टच स्क्रीन पर ही, और मल्टी टच है। तो दोस्तों, इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो चिपसेट जो है इसका MediaTek Dimensity है, जो कि 1080 5G का है। MediaTek तो मुझे समझ नहीं आता लोगों को पसंद क्यों नहीं आता है MediaTek। मैंने भी MediaTek का फोन चलाया है, MediaTek के भी चिपसेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन से ऐसे हट गया होगा कि मैंने MediaTek के बारे में बता दिया। दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसका ऑक्टा कोर का 2.6 GHz का डुअल कोर प्रोसेसर है, जो कि इसमें दो अलग अलग प्रोसेसर, एक 2.6 GHz प्रोसेसर, एक 2 GHz के हेक्सा कोर प्रोसेसर है। दोस्तों, इसके एफएनडी की बात करें तो 64 bit का है, और ग्राफिक की बात करें तो मैन G68 MC4 का इसका ग्राफिक है। और दोस्तों, रैम की बात करें तो मैं 6 GB की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है इसका कैमरा। कैमरा देखकर ही हर कोई फोन को खरीदता है। तो दोस्तों, इसका कैमरा जो है ट्रिपल कैमरा है, जो कि हमारे रियल कैमरे में ट्रिपल कैमरा है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 108 MP का कैमरा है, जो कि वाइड एंगल फील्ड को अच्छी तरीके से कवर करता है। और इसका सेकेंडरी कैमरा है 8 MP का। इसके बाद हमारा आता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि 2 MP का माइक्रो कैमरा है। दोस्तों, ऑटो फोकस की बात करें तो बिल्कुल इसमें ऑटो फोकस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्लैश की बात करें तो फ्लैश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, इसका जो फ्लैश है वो LED स्क्रीन है। दोस्तों, फ्लैश काफ़ी ज़्यादा LED स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फोन आते हैं। दोस्तों, इमेज रेजोल्यूशन की बात करें तो 12,000x9000 pixel है इसके रेजोल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी क्वालिटी देगा आपके फोटो को और वीडियो को। दोस्तों, सेटिंग की बात करें तो एक्सपोजर आप ISO को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। शूटिंग मोड भी कंटिन्यूस, इसमें शूटिंग मोड भी है और डिजिटल जूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, दोस्तों इसका जो फ्रंट का कैमरा है वो 16 MP का वाइड एंगल कैमरा है, जो कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD में रिकॉर्ड होगी और 4K में वीडियो रिकॉर्ड होगी। जो इसका रियर का कैमरे के बारे में आपको एक बार बता दूं, जो रियर का कैमरा है, रियर के कैमरे से भी फुल HD और 4K में वीडियो रिकॉर्ड होगी, जो कि हमारा 120 FPS के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से स्लो मूव भी बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़ इसका बैटरी का, बैटरी नहीं होगा तो नहीं चलेगा। बैटरी की जो कैपेसिटी है 5000 mAh है, जो कि हर फोन में लगभग 5000 ही आता है। दोस्तों, 5000 ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा नहीं है ना ही कम है, 5000 ठीक ठाक है। तो इस फोन के हिसाब से अगर आपके पास ये फोन आता है चलने के बाद पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये इसका बैटरी बैकअप अच्छा है या नहीं है। दोस्तों, इसमें कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी इसमें हर तरीके का है, वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, आपको GPS मिलेगा, 5G बैंड मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। और दोस्तों, इसकी मल्टीमीडिया की बात करें तो लाउड स्पीकर भी है, और जो इसका जैक है वो सी टाइप का है। आपको पहले बता दूं, इसमें सी टाइप का इसका जैक होगा। और स्पेशल फीचर जो इसका है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। ऑन स्क्रीन इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि इतने कम बजट में बहुत कम फोनों में आता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और मैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर भी है, लाइट सेंसर भी है, साइमोमीटर भी है, प्रॉक्सीमीटर भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, इस फोन का रिव्यू मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास अभी इतना मेरा बजट भी नहीं है कि मैं फोन को इसको खरीद कर आपको रिव्यू कराऊं, या फिर मेरे दोस्त जो है इसके पास है तो सही, लेकिन काफ़ी दूर रहता है। तो मैं वीडियो फोन चला के देखा, फोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है, बैटरी बैकअप बस उसका नहीं देख पाया क्योंकि ज़्यादा टाइम इसके पास नहीं रुक पाता। फोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लुकिंग वाइज भी। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं फोन का रिव्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ और फोन दिखा करके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास फोन नहीं है। लेकिन बस ये है कि जिस फोन का मैंने यूज़ किया है आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल बता दी, जेन्युइन बता दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर आप कभी लेना हो तो आप, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी इसकी जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।